सत्कारयोग बुजुर्गों, कर्मचारियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। किस तरह का माहौल लगा इस पार्टी वर्करां? देखो, इलेक्शन आने वाला है 2022 दे विच। जो इलेक्शन नज़दीक आएगा तो ऐसी इलेक्शन रैली करांगे, लेकिन साड़ी तैयारी चल रही है। इंटरनल स्ट्रैटजी वास्ते ऐसी आज अपनी मुलाकात की थी, मीटिंग की, अपनी स्ट्रैटजी बना रहे हैं कि किस तरीके के नाल, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि सरकार आम आदमी पार्टी की आनी है। जीत बेशक सुनिश्चित है, लेकिन असी लड़ाई बहुत जोरदार तरीके दे नाल लड़नी है। इस तरीके इस करके असी एक स्ट्रैटजी बनाने वास्ते असी आए सी, असी अपनी मीटिंग की थी, इंटरनल मीटिंग की थी है पार्टी की। खास करके जो साढ़े ETO साहब सरदार हरभजन सिंह जी, जो हल्का इंचार्ज ने इस एरिए, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इस एरिए, तो असी अपनी स्ट्रैटजी बना के वक्त वोटा के नाल आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। ये अपनी स्ट्रैटजिक मीटिंग सर। साढ़े चार साल बीत गए, बेदबी का इंसाफ अजे तक नहीं मिले, तो हूँ मुख्यमंत्री बदल दिए गए, किस तरह वेखते हो इस चीज़ में? देखो, कैप्टन बदल जाने कांग्रेस की सरकार ने अपना कैप्टन बदल लिया, एक कैप्टन हटा के दूसरा कैप्टन लगा दिया। वो जेड़े बाकी प्लेयर्स ने, सारे प्लेयर्स वही ने, अपने एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कैप्टन बना दिता। उस देखो, जनता सारा कुछ समझ चुकी है कि गुमराह करने का एक प्रयास किया गया है। बेशक ये कह रहे हैं कि असी बेदबी का, क्योंकि 2017 का इलेक्शन भी बेदबी के नाते लड़े थे, 2019 का पार्लीमेंट भी बेदबी के नाते लड़े थे। हूँ 2022 के बीच मैं इन्हों को यही बेनती कराँगा कि तुम बेदबी का मुद्दा है छड़ दो, तुहाड़े हाथ तो निकल चुका है। तुम दोषियों की मदद ऑलरेडी कर दी है, केस में खराब कर दिता है। जेकर इंसाफ मिलना है तो साड़ी जिहड़ी रिपोर्ट है वैसे इन्होंने कराई है दोषियों की मदद वास्ते। मैं अपने वालों अपील पाई हुई है डबल बेंच के सामने, जिसमें डिवीजन बेंच किया जाता है, मानजो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के, तो उस उत्ते सुनवाई होनी है। मैं इन्होंने यही बेनती भी कराँगा, मांग भी कराँगा कि जो अपील मेरे वालों पाई हुई है उस अपील के बीच मदद करें, उसके नाल जरूर इंसाफ मिले। सर, जो 2022 अगर सरकार बनती है पंजाब के, तो गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी हुई है वह इंसाफ जनता को देखने को मिलेगा? देखो, असी तो हूँ तो ही मतलब जो अपील असी पाई है, साड़ी अपील एडमिट हो गई है, तो जो उस सुनवाई हो जाएगी और मतलब जनतक इंटरेस्ट के बीच जो फैसला हो जाएगा, अपने आप इंसाफ मिलना है। जो मान लो कोई कमी बेशी रह जाती है, जो पार्टी की सरकार आएगी तो इंसाफ मतलब मिलना लाजमी है, क्योंकि दोषी भावें बड़ा हो, दोषी को छड़ना नहीं चाहिए है। 2017 के इलेक्शन की रैलियां के दौरान ये बोलते रहे हैं कि उदों के चीफ मिनिस्टर, उदों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरेआम उन्हों का नाँ लेंदे रहे हैं। जो उन्होंने खिलाफ सबूत आ गया, मीटिंग सी रिक्वेस्ट की कि साडे बहुत ही सत्कार विजय प्रताप जी को आ के साथ धनवादी हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय के सामने कटिया है, अपना समा सामने दिता है। तो साढ़े विराजमान ने सूची जगारा गुरु पूजन से उन्होंने स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। सानू पूर्ण आस है कि आने वाले समय के जंडियाला गुरु वास्ते खास सहयोग जिस तरह आज मिलता है, इस तरह ही देते हैं। आम आदमी पार्टी वालों जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिता गया जी, ये बताएंगे सर? कई ट्वीट पड़ा कर रहे जी, अजकल अपनी पार्टी के विरुद्ध सोनिया गांधी के विरुद्ध उन्होंने अपने बयान दिए। ये उन्होंने पार्टी का मसला है जी, वो आप पे दसन। सर, जंडियाला गुरु दे विच आम आदमी पार्टी का एक हो भी दावेदार नजर आ रहा है, ये बारे तुसी की कहोगे? मैं सारियां नूं बेनती करांगा कि जिस किसी नूं अज की तारीख के साडे हलका इंचार्ज, जो हलका दे इस हलके दे सेवादार अपने ETO हरभजन सिंह जी ने, जिन्होंने ये जिम्मेवारी मिली हुई है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैं यही बेनती करेंगे कि सारे मिल के काम करें। जिसनों भी कैंडिडेट ऐलान कर दिया जाऊगा, वही कैंडिडेट मतलब रस्मी तौर पर ऐलान बाकी है। वैसे मैं यही कहूँगा कि सारे जो ETO हरभजन सिंह जी ने इन्होंने नाल मिल के सारे काम करेंगे, यही कैंडिडेट होने मैं दस देना हाँ, लेकिन असी रस्मी तौर पर बात नहीं चला। सुखदेव सिंह पुत्र, कामल सिंह पुत्र,
बलविंदर सिंह मैंबर मखणी दरबार से